Have you ever had a crush on a teacher? वो तो सभी का होता है, कौन है जिसका नहीं. कुछ टीचर्स थे जिनके मतलब आप अटेंटिवली उन पे ध्यान देते थे, मतलब पढ़ा क्या रहे उन पे नहीं ध्यान देते, बट वो कौन है उन पे ध्यान देते ये मेरे थे. कॉलेज के सामने एक हॉस्टल हुआ करता था, वो मास्टर्स कोर्स का हॉस्टल होता था, मानसरोवर हॉस्टल. तो मैं 3 साल में से 1.5 साल खालसा कॉलेज गया और 1.5 साल मानसरोवर हॉस्टल की कैंटीन में. मेरा बंक तो हो ही नहीं चलता. मेरे घर वालों को हमेशा मतलब क्राइम पेट्रोल वगैरह देख के ही लगता था कि इस शहर में कोई अगर वैन के नीचे आएगा तो हमारा ही लड़का आएगा. योर वार्ड इज वेरी, तो वार्ड ना स्कूल के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना. बेटा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, योर वार्ड इज वेरी रिलक्टेंट टूवर्ड स्टडीज. अब जैसे सुबह सुबह पापा नींद में उठा, ये साइन कर दो पापा ने पढ़ा कि रिलक्टेंट, मतलब पापा जैसे ब्रिलियंट वैसे रिलक्टेंट. मेरे साथ जुड़ चुकी हैं हॉस्टल डेज की कास्ट. आई हैव विद मी निखिल, आयुषी, लव एंड शुभम. वेलकम वेलकम. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, सेकंड सीजन आने वाला है. व्हाट डू यू फील, आर यू नर्वस और आर यू एक्साइटेड? कैसा लग रहा है? एक्साइटेड, नर्वस होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहां पे. ओके, दैट्स ग्रेट. ऑल द कमेंट्स ऑन द ट्रेलर आर आल्सो वेरी नाइस. लोग तो खुश है बस कि हाँ कब से इंतजार था, आ गया. सही है, लोग अच्छे लग रहे हैं उनको, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड. सो यस, देर कर देते हम पर आ जाते हम यहाँ पे हॉस्टल डेज की बात कर रहे हैं और ट्रेलर में भी बहुत सी ऐसी चीज हमने देखी, फर्स्ट सीजन में भी देखी ऑफ कोर्स, जो कि हॉस्टल लाइफ और पूरे इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से कवर कर रही है. तो वी आर गोना डू समथिंग फन. वी आर गोना गो बैक टू आवर स्टूडेंट लाइफ and we will talk a little about that. ठीक है, school life, college life, you know, generally के बहुत ही अलग अलग experiences रहते हैं, तो किस तरह के experiences रहते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे. School life में या college life में, have you ever had a crush on a teacher? वो तो सभी का होता है, कौन है जिसका नहीं. तो अब सबको बताना पड़ेगा, अब सबको बताना पड़ेगा. लव ने सबकी पोल खोल दी है. सॉरी, मुझे 10th तक सारे मेल टीचर्स ने पढ़ाया है, तो क्रश तो हुआ नहीं. फिर 11th 12th में जो टीचर्स थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन पर क्रश होने का सवाल नहीं था, होता था वो मात्रा में. अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस तरीके का. अरे चलो ठीक है, शुभम व्हाट अबाउट यू? ये भी मैं मतलब मेरा भी ना स्कूल लाइफ जो है वो बहुत इसमें निकल गई मेरी की अटेंशन सीकिंग में, तो मुझे क्रश बनाने का टाइम ही नहीं मिला. मुझे बस ये होता था मेरा कि कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई में अच्छे थे कि वो टॉप करते थे, तो उनके अपने दोस्त थे कि यार इसके साथ पढ़ लेंगे. कुछ बच्चे होते थे कि जो स्पोर्ट में एक्सेल करते थे, तो कि ये 100 मीटर रेस में फर्स्ट आता है, तो उनकी वो थी. अब मुझे लगा कि सारे तो स्लॉट बुक हो गए, मैं कैसे करूँ. तो फिर मैंने तो तब से कहानियां ही सुनाना शुरू किया सारे बच्चों को, तो वो जो मेरी एक छोटी सी ऑडियंस बन गई थी, मैं तो उन्हीं के साथ खुश था. फिर उसमें कुछ टीचर्स भी शामिल हो जाते थे टाइम टू टाइम, जो कूल टीचर्स आते थे, बट मैं किसी ऐसे क्रश रश की दृष्टि से नहीं देखता था. मेरे लिए सब ये ऑडियंस थी और मैं प्रेजेंटेशन बना के खुश रहा पूरी स्कूल में. क्रश की दृष्टि से नहीं देखा, ओके ठीक है, फेयर. आयुषी व्हाट अबाउट यू? नहीं यार, आई हैव ऑलवेज हैड, यार कोई टीचर ढंग से पढ़ा दे तब होगा क्रश. बट द वे दैट यू आर टॉट, इट्स लाइक बुक खोलो, रटा करो, अब जाओ एग्जाम दे दो. तो मुझे नहीं लगता at any point I felt like that. बाकी किसी का नहीं, but I think love has something to share. Love, come on, go for it. ये ना इतने होते हैं. अब इसका इसमें भी वैसा ही आएगा कि पूरी स्कूल लाइफ ही इसमें गई. नहीं 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 ऐसा नहीं है, मतलब लाइक हाँ मैंने स्कूल लाइफ में भी थे तो सही, लाइक टीचर्स पे क्रश कि हाँ चलो इनका तो आपको अटेंड करना ही है. स्कूल में तो डेफिनेटली वो बंक वाला सीन नहीं रहता था, हर टीचर का आपको अटेंड करना ही होता था. बट लाइक हाँ मतलब कुछ टीचर्स थे जिनके मतलब आप अटेंटिवली उन पे ध्यान देते थे,
मतलब पढ़ा क्या रहे उन पे नहीं ध्यान देते थे, बट वो कौन है उन पे ध्यान देते थे. तो हाँ होते तो हैं, और फिर वो सब बच्चों का वही रहता है, अरे मैम का लेक्चर है, मैम का लेक्चर है, पढ़ना 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 है. और लाइक हम लोग बैक बेंचर्स थे तो लाइक वो तो फिर वो मजे लेना है ना, ऑल वो चलता ही रहता था. ओके नव के हिसाब से ऐसा है कि अगर टीचर्स सुंदर हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, तो ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे लिटरेसी के लिए. हाँ वो तो है ही यार. तो एक्चुअली आई डू अग्री विद हिम, क्योंकि लाइक लाइक कमिंग फ्रॉम अ गर्ल्स कॉलेज, आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन इकोनॉमिक्स टीचर हु वाज लाइक रियली स्मार्ट, एंड उनकी क्लास में अटेंडेंस हमेशा सबसे ज्यादा हुआ करती थी. तो भले कोई पढ़े ना पढ़े, नंबर कैसे भी आए, बट पीपल ऑलवेज, गर्ल्स ऑलवेज अटेंडेड हिज क्लास. सो आई थिंक एटलीस्ट लिटरेसी का पता नहीं, अटेंडेंस रेट काफी उसमें हाई होता था. सो आई काइंड ऑफ अग्री विद हिम देयर. ओके वो शुभम का थोड़ा दुख भरा रहा है ना, स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ तो आप में से किसी ने कभी स्कूल या कॉलेज बंक किया है? अरे मैं तो 11 बजे स्कूल से वापस आ जाता था. फर्स्ट पीरियड डिफेंस लगाता था, फोर्थ पीरियड तक फुटबॉल खेलता था बास्केटबॉल कोर्ट में प्लास्टिक की बॉल से, फोर्थ पीरियड लंच करके आ जाता था वापस. मैं कभी नहीं बंक कर पाया एक्चुअली. एक तो जाता भी स्कूल बस से था, स्कूल बस से ही, तो कहाँ बोलूंगा ड्राइवर को, थोड़ी बोलूंगा भैया रास्ते में उतार दो. नहीं मेरे कॉलेज के सामने एक हॉस्टल हुआ करता था, वो मास्टर्स कोर्स का हॉस्टल होता था, मानसरोवर हॉस्टल. तो मैं 3 साल में से 1.5 साल खालसा कॉलेज गया और 1.5 साल मानसरोवर हॉस्टल की कैंटीन में. इस रीजन से भी कभी बंक नहीं कर पाया कि मेरी बहन मेरे से बस 5 साल ही छोटी है, तो जब मेरी बंक मारने की हैसियत हुई तब तक वो कॉलेज में सेम स्कूल जा रहे हैं. फिर वो मतलब बहुत जल्दी घर पहुंच जाएगी, मैं नहीं आया. मेरा बंक तो हो ही नहीं सकता. मेरे घर वालों को हमेशा मतलब क्राइम पेट्रोल वगैरह देख के ही लगता था कि इस शहर में कोई अगर वैन के नीचे आएगा तो हमारा ही लड़का आएगा. तो अगर 5 मिनट मैं तो नहीं कर पाया. मैंने तो काफी कॉलेज लाइफ में बंक किए हैं. फर्स्ट ईयर में नहीं कर रहे थे कि चलो शिद्दत से पढ़ेंगे यार, बंक वंक फालतू की चीजें लगती है, ऐसा नहीं करेंगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं. फिर जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ, सेकंड स्टार्ट हुआ, हटाओ यार ये सब चलते हैं. क्योंकि मेरा कॉलेज घर से काफी दूर था, मतलब सेम टाउन में था बट दूर था, तो ठीक है किसी को क्या ही पता चलेगा. हाँ एग्जैक्टली सेम, एंड प्लस बगल में कोविड कॉलेज था. आके बैठते थे. नथिंग बेटर देन दैट, बेस्ट है ये तो. पर कभी पकड़े गए, कोई पकड़ा गया अभी तक? नहीं, चोरी करो फिर पकड़ा जाओ क्या मतलब है. हाँ मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं स्कूल से निकला तो मैं जिस बस में बैठा उसमें मेरा एक टीचर भी बैठे हुए थे. फिर मुंह छुपाया मैंने, अगले स्टैंड पे उतर गया मैं. बच गए मतलब, बार बार बचे, पकड़े नहीं गए. हाँ पकड़ा नहीं गया. चलो दैट्स गुड. मेरे मम्मी पापा को इतना फर्क पड़ता ही नहीं था क्योंकि कॉलेज से लेटर आता था और पापा भी एक तुम्हारा लव लेटर आ गया कॉलेज. यार यू गाइस आर वेरी लकी. तो ऐसी लेटर वाली बात है, उसको मैं बताता हूँ मैंने एक बार कैसे अपने पापा को बेवकूफ बनाया. मैं कुछ शरारत की थी स्कूल में, तो इंग्लिश टीचर था क्लास टीचर, तो उसने नोट लिख के दिया योर वार्ड इज वेरी, तो वार्ड ना स्कूल के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना. बेटा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, योर वार्ड इज वेरी रिलक्टेंट टूवर्ड स्टडीज. अब जैसे सुबह सुबह पापा नींद में उठाएगा ये साइन कर दो, पापा ने पढ़ा कि रिलक्टेंट, पापा जैसे ब्रिलियंट वैसे रिलक्टेंट. और पापा भी सुबह नींद में तो साइन कर दिया. फिर शाम को मेरे से पूछते हैं कि तो ब्रिलियंट लिख देते, फिर रिलक्टेंट भी लिखा, और तारीफ के लिए कब से नोट आने लग गया. How nice, यार. मैं तो I remember this one time, मैंने बहुत ही planning, plotting करके अपनी friend के साथ school bunk किया, उसके बाद पकड़ी भी गई यार. मतलब उस वक्त नया नया उन्होंने शुरू किया कि they started calling up the students house कि आज बच्चा आया क्यों नहीं है. That was a very new thing, और उसी दिन से शुरू किया जैसे मैंने bunk किया था. और उसके बाद आ गए फोन, उसके बाद बजी बैंड अच्छे से. पर ठीक है, that was also an experience in itself. Sorry? मैंने कहा अनलकी हो गए. हाँ बट ठीक है, आई थिंक वही लाइक इट्स एन एक्सपीरियंस. आज भी लाइक व्हेन वी थिंक अबाउट इट, इट्स एक्चुअली फनी, मेमोरी बन गया. एग्जैक्टली ये हमारे में भी होता था कि जो बच्चे नहीं आए सबके घर फोन करके
चेक किया कि घर पर ही है ना। एक बार हुआ था, मैं काफी 3-4 महीने बाद क्लास में एंटर किया तो मेरी टीचर ने मुझे नमस्ते बोला था। अच्छा लास्टली मुझे जानना है कोई भी एम्बैरेसिंग मेमोरी है स्टूडेंट लाइफ से जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो क्रिंज हो जाते हैं, मतलब क्या, व्हाट वाज आई थिंकिंग? वैसे तो बहुत सारी है डार्क पास्ट। कोई एक बताएं। हाँ मतलब मेरे को, मैं सेकंड ईयर में था तो मेरे क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर और अनमैनेज्ड बिहेवियर की वजह से मेरे को ड्रम सॉक से निकाल दिया था, वो अभी तक खटकता है तो वो है। मेरा भी फ्रेंड था जो मतलब हम लोग साथ में ही लाइक बेंच शेयर करते थे और लाइक वो लास्ट 12th तक साथ में ही हम लोग दोस्त रहते, मतलब 7th-8th से तो पूरी स्कूल लाइफ तक दोस्त थे और उसका एक ही बंदी पे क्रश था और वो हर साल सोचता था कि अब इस क्लास के बाद तो मैं बता दूंगा, इस क्लास के बाद तो बता दूंगा, और 12th के बोर्ड्स के एग्जाम हुए उसके बाद तक सब उसको फोर्स कर रहे बता दे, और फिर वो पूरा उसने खुद को करेज गैदर किया और उसके पास साइकिल थी DTV ऑक्टेन। वो चला के बंदी घर जा रही थी अपने साइकिल हाथ में लेकर के, लेडी बर्ड थी उसके पास, और वो गया और बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, तो लड़की भी चलो ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। और वो पलट के आया, पूरी साइकिल पूरे वीली वीली मार रहा है और पूरा एक्साइटेड है और वो आज तक उस जवाब का इंतजार ही कर रहा है। एक मूवी में भी सीन है। कौन सा? विजय सेतुपति की एक मूवी है, उसमें भी सेम सीन है। 98, हाँ शायद 98। पता नहीं यार, मैंने देखी नहीं है, बट ये तो रियल इंसिडेंट है। अभी तक वो इंतजार कर रहा, मैं चढ़ाता भी उसका, आया क्या इंतजार। ऐसा इंतजार मेरे को भी फेस करना पड़ा था एक बारी। तो हमारे स्कूल के टेस्ट में ना वैसे बिठाते थे कि सीनियर जूनियर बेसिकली जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते थे कि छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा साथ में बैठा, तो मैं हमेशा इसको ये उम्मीद लेके जाता था कि यार कोई बड़े भैया बैठे मेरे साथ में जो फुटबॉल टीम वगैरह के कैप्टन हो और उनका इतना मनोरंजन करूंगा ना टेस्ट, बिल्कुल स्ट्रेस उनके हटा दूंगा कि मैं फुटबॉल टीम में खेल जाऊं बस कुछ भी करके, कि वो 12th प्लेयर ही बना ले, मेडल एक मुझे भी मिल जाएगा स्पोर्ट्स का। तो कभी ऐसे भैया तो मुझे मिले नहीं, हमेशा ऐसे कुछ तो एवरेज से स्टूडेंट बैठ जाते थे मेरे साथ, मूड खराब होता था मेरा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक लड़की बैठी बहुत अच्छी, 2-3 साल सीनियर मेरे साथ में, और मैं बड़ा खुश हो गया कि मतलब वो लड़की थी जिसने एनुअल फंक्शन पे सबसे अच्छा डांस किया था, तो मेरा, मैंने उसकी पूरी मदद की, उसका मैथ्स का एग्जाम है स्केल मैं लेके जा रहा हूँ, ज्योमेट्री का ध्यान मैं रख रहा हूँ, पूरा मैंने उसकी हेल्प की, उसने भी मुझे थैंक यू बोला। सो मुझे लगा कि कुछ यहाँ तो कुछ हो सकता है, लेट्स एक्सप्लोर दिस। बट और वो थे फाइनल एग्जाम्स, तो फिर फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए, मतलब अब नई क्लास में आएगी ठीक है, अभी क्योंकि 11th में थी तो 12th में आएगी और मैं शायद 10th में जाने वाला था, ऐसा कुछ तो था। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मुझे ना रिजल्ट की चिंता ना कुछ, मुझे बस 2 अप्रैल का इंतजार है कि भाई स्कूल खुले, जाके उससे बात बात करूँ, थोड़ा आगे अपनी बात बढ़ाओ। बट क्या हुआ, वो आई नहीं, एक हफ्ता के मैंने अपना लॉजिक लगाया कि उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब है ना, छुट्टियों में होम टाउन गए होंगे अपने, तो नहीं यहाँ पे अच्छी बात है, फ्रेंड को बहला रहा हूँ सब कर रहा हूँ। फिर 10-11 अप्रैल के अराउंड ना नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगी रीटेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स, कौन कौन फेल हो गए हैं, सबसे ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है उसके। रीटेस्ट निकल जाए भगवान प्लीज, इसका रीटेस्ट निकल जाए, कभी रीटेस्ट भी देने नहीं आई और स्कूल को चेंज कर दिया, अधूरी कहानी। 12th में पहुंच गई भाई वो नए स्कूल में, वैसे वाले स्कूल भी होते ना हर शहर में, 11वीं फेल, 12वीं में एडमिशन, 8वीं 9वीं छठी फेल, 10वीं पास। स्कूल में चली गई। आयुषी, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? यार एक बार 12th में मुझे एक लड़का पसंद था और वैलेंटाइंस डे आ रहा था, तो मैंने बहुत डिलिजेंटली एक हफ्ते तक कार्ड बनाया, ठीक है, उस पे हार्ट्स चुपका है, लिखा है मैंने छुपा छुपा के, क्योंकि घर पे बना भी नहीं सकते। मैं बहुत एक्साइटमेंट में पहुंची हूँ स्कूल और वो आया नहीं है, उसने बंक किया है और मेरे दोस्तों ने पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने कभी कार्ड नहीं बनाया किसी के लिए। पूरा कार्ड बनाने का एक्सपीरियंस है, मतलब ट्रॉमेटिक हो गया ना, हाउ सैड। बट आई थिंक ऑल दीज मेमोरीज आर लाइक, चीजें होती हैं, ऑब्वियसली वी फील वेरी सैड एंड यू नो
जो भी चीजें हैं बहुत ही बुरा लगता है, बट आई थिंक नाउ यू नो आफ्टर इयर्स, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट एंड लुक बैक, दे आर जस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज. सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हॉस्टल डेज इज ऑल्सो going to show you, it's going to take you back अपने hostel days में, अपने school life में, अपनी पूरी student life का एक वापस एक tour मिलेगा घर पे बैठे बैठे. So I think you can also, for everybody else also watching the interview, you can also watch hostel days on Amazon Prime Video, which will start streaming very soon. And just want to wish everybody all the very best season 2 के लिए, and I hope कि जो भी थोड़ी बहुत nervousness भी है अगर है तो वो अब हट जाए और बिल्कुल अब excitement रहे, and you know I hope that people, whoever watches it, they like it. So thank you for joining, and all the very best. Thank you. Thank you. Bye-bye.